Hello guys, myself Saurabh Tiwari and welcome to my YouTube channel Tiwari Ji Official. So, आज हम लोग सीखने वाले हैं notes, scales, scale कैसे बनती है, notes क्या होते हैं, आज हम लोग सब सीखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक नया कागज. इसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ. तो नोट्स होते क्या हैं. नोट्स हम लोग जैसे हिंदी में हिंदी जो भी क्लासिकल जो भी सीखते हैं तो सारे गामा पा धा नी सा सीखते हैं, वैसे ही इसमें सी डी ई एफ जी ए बी सी होता है. जैसे नेचुरल नोट्स होते हैं. नेचुरल नोट्स सी डी ई एफ जी ए बी एंड सी. ये सी है फिर सी है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे सी फिर सी फिर से रिपीट हो गया. तो ये हो गए नेचुरल नोट्स. लेकिन टोटल नोट्स इतने नहीं होते. नेचुरल नोट्स इनको शुद्ध स्वर जिनको कहते हैं ये हैं. अब जैसे क्या है कि मान लीजिए कि ये अपना गिटार है, ठीक. तो जैसे यहाँ से नीचे अगर अपन आएंगे, नीचे प्ले करेंगे, नीचे फ्रेट्स पे आएंगे, जैसे ये थर्ड हो गया, ये कुछ भी नीचे प्ले करेंगे तो जो आवाज़ है वो बहुत पतली होती जाती है और जितना ऊपर आप प्ले करेंगे उतनी ही आवाज़ मोटी होती जाती है. तो यहाँ पे जैसे कोई नोट है, मान लीजिए यहाँ पे जी है, कोई नोट जी है. तो जब आप नीचे जाएंगे मतलब आवाज़ को आप शार्प कर रहे हैं और पतला कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो नोट होगा तो ये जी का शार्प हो जाएगा. अगर यहीं आप इसके पहले जाते हैं, अगर इसके ऊपर जाते हैं आप, तो जी के पहले क्या आता है, एफ. तो या तो एफ शार्प का उसको, या फिर अगर जी को या अपन अगर बेस लेके मानते हैं तो जी के नीचे मतलब आवाज़ पतली हो रही इसलिए जी शार्प हो गया. आवाज़ अगर मोटी करेंगे अपन तो ये जी फ्लैट हो जाएगा. ये कुछ ऐसा करके बनेगा, फ्लैट ऐसा बनता है, ऐसा, ठीक. तो ये जी फ्लैट हो जाएगा. लेकिन जी फ्लैट अपन अक्सर बोलते नहीं हैं तो इसको एफ शार्प बोल देंगे, क्योंकि ये जैसे हो गया एफ तो ये हो जाएगा एफ शार्प. तो अभी कॉन्सेप्ट किसका था हम लोगों ने सीखा, शार्प और फ्लैट का, ऐसे कुछ ऐसे बनता है शार्प और फ्लैट का. शार्प जैसे अगर अपन और नीचे जाएंगे और हाई नोट पे जाएंगे, हाफ नोट हाई जाएंगे तो शार्प, और हाफ नोट लो जाएंगे तो फ्लैट. अब क्या है कि टोटल नोट्स देखते हैं. तो टोटल नोट्स अपन देखेंगे इसी में, जिससे अपने को ठीक है. टोटल नोट्स होते हैं सी, उसके बाद सी शार्प. अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि जो बी और ई होता है इसके शार्प नहीं होते हैं, बी और ई के शार्प नहीं होते, बस ये याद रखना है. तो जैसे सी सी शार्प, डी डी शार्प, ई, फिर ई का शार्प नहीं होता इसलिए डायरेक्ट आ जाता है एफ, फिर एफ शार्प, जी जी शार्प, ए शार्प, फिर बी, और बी के बाद फिर बी शार्प आना चाहिए लेकिन बी का कोई भी शार्प नहीं होता इसलिए फिर से सी. अब जैसे ये हो गया डी शार्प, हम लोग डी शार्प वो नहीं बोलते हैं, ई फ्लैट बोल देते हैं. तो आप इसको अब जैसे ऊपर जा रहे हैं, लो जा रहे हैं ऊपर तरफ, इसलिए आप इसको फ्लैट भी बोल सकते हैं या फिर डी शार्प भी बोल सकते हैं. जी शार्प को आप ए फ्लैट भी बोल सकते हैं या फिर इसको बी फ्लैट बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है. ये जनरल नोटेशन है. तो ये टोटल नोट्स हो गए. तो अब इसका यूज़ कहाँ है अपने को ये देखना है. अब जैसे इसको मान लीजिए ये है अपना गिटार का फ्रेट, जो फ्रेट बोर्ड है. तो सबसे ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये सेकंड स्ट्रिंग है, ये थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ और सिक्स. तो हम लोगों ने नाम कैसे याद किया था, ये ई ए डी जी बी और ये ई. तो इसको याद कैसे रखेंगे देखिए.
एलिवेट डायनामाइट, सॉरी डायनामाइट की स्पेलिंग जो भी होती हो, डायनामाइट गुड बाय एली। तो ये ई ए डी जी बी ई, ई ए डी जी बी ई आप ऐसे याद कर सकते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये है क्या, ये क्या है, ये जो नोट्स हैं, हम लोग ये जो स्ट्रिंग्स रहते हैं इनको इतना इनका टेंशन इतना ज़्यादा इतना कर देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं जिससे उनकी जो फ्रीक्वेंसी हो वो ई के बराबर निकले, उनकी जो फ्रीक्वेंसी हो जो जो सेकंड वाले ये जो फिफ्थ स्ट्रिंग की है वो ए के बराबर निकले। तो हम लोग इनको ट्यून ऐसे ही करते हैं। और अगर आप अगर ट्यून करने में प्रॉब्लम आती है, मैं एक ट्यून करने वाला भी वीडियो बनाऊंगा कि अगर ट्यूनर है आपके पास तब कैसे ट्यून किया जाए, अगर ट्यूनर नहीं है तब अप्रॉक्सीमेट कैसे ट्यून किया जाए। एग्जैक्टली ट्यून तो करना वैसे मुश्किल ही है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट कैसे ट्यून किया जाए जिससे साउंड बेटर आए। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये ई ए डी जी बी ई है। तो अब अपने को देखना है बस, अब कुछ नहीं, यहाँ से पूरा काम इजी है। अब ये जो मैं भी कर रहा हूँ ये आपको एक नोट बना के नोट्स बना के आपको भी ये खुद से करना पड़ेगा जिससे आपको याद रहे। तो ये है ई, ई कहाँ पे, ई यहाँ पे है, ई के बाद आता है एफ। तो ये हाफ जो फ्रेट्स हैं, ये फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट फ्रेट सेकेंड फ्रेट थर्ड फ्रेट जो भी फ्रेट्स हैं, तो ये हाफ हाफ नोट्स इनसे बढ़ते जाते हैं, हाफ हाफ नोट जैसे ये हैं। तो ई के बाद एफ है, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे अगर आप प्रेस करेंगे, मतलब ये फर्स्ट फ्रेट हो गया, ये सेकेंड फ्रेट हो गया, थर्ड फ्रेट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, ऐसे फ्रेट्स हैं ये टोटल फ्रेट्स। तो जैसे ये एफ है तो ई के बाद आ जाएगा एफ, फिर आ जाएगा एफ शार्प, फिर जी, जी शार्प, फिर ए, ए शार्प, बी, सी, फिर सी शार्प, ये देखिए सी शार्प, फिर डी, ई फ्लैट या फिर डी शार्प कह लीजिए आप, डी शार्प, फिर ई, फिर एफ, ऐसे आगे। अब देखिए यहाँ पे वो अपना जो भी गिटार रहता है यहाँ पे थर्ड पे एक पॉइंट रहता है, वो किसी गिटार पे रहता है और किसी किसी पे भी नहीं भी रहता, लेकिन फिफ्थ पे पॉइंट रहता है, सेवन्थ पे रहता है, नाइन्थ पे रहता है और ट्वेल्थ पे रहता है। ट्वेल्थ पे दो पॉइंट रहता है, और इससे ये भी अपने को याद रहता है कि जो भी नोट यहाँ पे था जो ई था वही यहाँ पे ट्वेल्थ पे रिपीट हो जाएगा हमेशा ये ई पे, और ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा, जितना बड़ा आपका गिटार होगा उतने नोट्स बढ़ते जाएंगे। अब जैसे ए है तो ए के बाद आएगा ए शार्प, फिर बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, और फिर ए। फिर से देखिए ए यहाँ था और यहाँ ए यहाँ पे फिर से आ गया है। अब डी के बाद डी शार्प, फिर डी शार्प के बाद आता है ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, और ये डी। ये देखिए डी फिर से रिपीट हो गया। ऐसे ही अपने को पूरा करना है, ठीक है। आप ये पूरा फिल कर लेंगे जैसे मैं फिल कर रहा हूँ, डी शार्प, ये हमारा पूरा हो गया है। अब देखिए अब जो अपना नेक्स्ट स्टेप है, अपना जो नेक्स्ट स्टेप है, अभी इसमें अपने को करना क्या है, ये नोट्स टोटल नोट्स तो हो गए अब, लेकिन टोटल नोट्स में अपन ये तो करेंगे नहीं कि बस टोटल ऐसे हाफ हाफ नोट बजाते रह जाएं। अब स्केल अपन सीखेंगे, स्केल तो स्केल होती क्या है, स्केल होती है कॉम्बिनेशन, या फिर ऐसा कहें एक पर्टिकुलर जो भी कॉम्बिनेशन है नोट्स का, पर्टिकुलर नोट्स का। जैसे आज हम लोग सीखेंगे मेजर स्केल। तो मेजर स्केल के लिए जैसे सी से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ अपने पास यहाँ पे जो यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो सबसे पास में अपने को ये नोट सी नोट देखते हैं। सबसे पहले सी नोट कहाँ पे दिख रहा है, सी, सी नोट मेरे को ये दिख रहा है, ये है सी, सी है, ठीक। तो अब जो मेजर स्केल है, मेजर स्केल बनता किससे है, मेजर स्केल बनता है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नोट्स से, जो नेचुरल नोट्स का कॉम्बिनेशन होता है उनसे मेजर स्केल बनता है। मेजर स्केल में कोई भी शार्प, जो शार्प हैं या फिर फ्लैट हैं वो बिल्कुल नहीं होते हैं,
ठीक है। तो सी, अब जैसे सी हो गया, अब सी के बाद हम लोग जब बजाएंगे तो सी शार्प नहीं बजाएंगे, सी शार्प प्ले नहीं करेंगे, डी प्ले करेंगे। तो सी फिर डी फिर ई। अब जैसे अपने पास कितनी फिंगर्स हैं, अपने पास सिर्फ फोर फिंगर्स हैं, तो इसलिए अपने को करना क्या है, सी जो है सी सेकंड से बजाना है। तो अपने पास तो चार फिंगर बस हैं और सेकंड से स्टार्ट करना है। तो सी फिर ये, अब थर्ड के लिए ये हो जाएगा, फोर्थ के लिए ये डी, फिर नीचे तो ई प्ले नहीं कर सकते। अभी हाथ तो हाथ अपने को नहीं खिसकाना है, बस थोड़ा हल्का खिसकाना होता तो ठीक है। अब अपने को एक स्किप करके खिसकाना पड़ेगा, तो इसलिए ये ई नहीं प्ले करेंगे। सी डी फिर ये ई फिर ये एफ फिर एफ शार्प अपने को प्ले नहीं करना क्योंकि ये मेजर में एफ शार्प होता नहीं है। फिर जी, फिर अब ए नहीं आ सकते इधर, इधर ए नहीं प्ले करना क्योंकि वहाँ तक अपनी फिंगर पहुँचेगी नहीं। तो ए इधर पे आ जाओ, ए फिर ए शार्प नहीं प्ले करना, बी फिर सी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एट एट मीन्स ऑक्टेव, एट मीन्स ऑक्ट, ओ सी टी मीन्स ओ सी टी जो होता है उसको एट एट के नाम से अपन जाते हैं जानते हैं ठीक है। ऑक्ट जैसे ऑक्टेन हो गया ये सब, ऑक्टा ऑक्टागॉन या फिर कुछ भी, तो एट ऑक्ट। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुए, मतलब एक ऑक्टेव कंप्लीट हो गया ठीक है। अब आगे भी देखेंगे अपन, जैसे सी है ये, तो यहाँ से फिर प्ले करेंगे। तो सी डी ई एफ जी ए बी सी यहाँ भी प्ले कर सकते हैं, या फिर सी डी ई फिर एफ, ये है सी। अब जो नेक्स्ट ऑक्टेव है ये सी डी ई एफ जी ए बी सी। अब देखिए, अब सी डी ई एफ जी ए बी सी, अगर आप ये डी और जी इधर का नहीं यूज़ करते, यहाँ का यूज़ कर लेते, तो उससे प्रॉब्लम ये आती कि अब जब हम लोग कॉर्ड्स बनाएंगे, तो कॉर्ड्स बनाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैं आपको बता ही दूंगा। तो जो चीज़ें यूज़ होती हैं फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती, क्योंकि ये डी और जी यहाँ पे आ जाता, तो इसलिए हम लोग इसी की प्रैक्टिस करेंगे कि सी के बाद ये डी फिर ई एफ जी ए बी सी। तो इनको प्ले जब करेंगे तो ये बना कौन सा मेजर स्केल, देखिए। और जो स्केल्स के नाम होते हैं वो कैसे होते हैं, ये क्या हम लोगों ने सीखा, मेजर स्केल। मेजर स्केल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने नेचुरल नोट्स यूज़ किए, नेचुरल नोट्स। ओके, अब देखिए, अब इसमें एक बात आती है रूट, रूट नोट्स। तो रूट जैसे अगर अपन ट्री भी देखो, वो कोई पेड़ देखते हैं, तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है, रूट से। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, सी से। तो इसका रूट नोट क्या हुआ, सी। तो इसका नाम क्या होगा इस स्केल का, सी मेजर स्केल। ओके, तो ये हो जाएगा सी मेजर स्केल। ओके, यहाँ तक आ गया आप लोगों को समझ में। अब देखिए, अब इतना आ गया फिर कोई अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे सी है, अगर आप ये सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, सेम टू सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, बस अगर ये जो पहला नोट है यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ये फिर ये, मतलब सेम गैप छोड़ के वैसे ही अगर आप प्ले करेंगे, तो रूट नोट क्या रहेगा, जैसे डी, तो वो हो जाएगा डी मेजर स्केल। रूट नोट होगा एफ, तो वो हो जाएगा एफ मेजर स्केल, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे ऐसे पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक रिपीट होगा। फिर चाहे आप ऊपर जाएंगे तो बी मेजर स्केल, ए मेजर स्केल, बस ऐसे ऐसे होगा, बस कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना है बस आपको, और आपको ये स्केल प्रैक्टिस करनी है। स्केल क्यों प्रैक्टिस करनी है, स्केल इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि कोई भी टैब है, अभी जैसे ये मेजर स्केल है, जो माइनर स्केल रहता है, मैक्सिमम गाने जो माइनर स्केल पे आ जाते हैं, कोई उसमें एक्सीडेंटल नोट्स नहीं लगता। कुछ गाने रहते हैं जिसमें एक्सीडेंटल नोट्स रहते हैं। एक्सीडेंटल नोट्स क्या होता है वो भी बाद में बताऊंगा, तो वो होता है। तो आप अपने को प्रैक्टिस क्यों करनी है, जैसे कोई भी गाना है, जैसे कभी जो बादल बरसे, उसके टैब हैं, तो वो सिर्फ माइनर स्केल पे आ जाता है। हाँ, माइनर स्केल पे आ जाता है। तो अपने को क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करना। अब जब इसकी प्रैक्टिस रहेगी तो जो टैब रहेंगे तो उनमें उंगलियाँ अपनी तेज चलेंगी। तो अब ये तो हो गया, कॉपी पे थ्योरी हो गई। अब एक बार अपन प्रैक्टिकल भी देख लेंगे अब कि गिटार पे कैसे इसको प्रैक्टिस करना है। तो ठीक है, यहाँ तक के लिए ठीक है, अब आते हैं गिटार की तरफ। ओके 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 फ्रेंड्स, तो अब हम लोग प्रैक्टिकल इसका
प्रैक्टिकल देखेंगे कि इसको फिर प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये ई ए डी जी बी ई, वैसे ही वो बिल्कुल जैसे मैंने आपको अभी अभी पेपर पे मैंने जैसे बताया सेम टू सेम वैसे ही स्ट्रिंग्स हैं, फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट। तो फिफ्थ स्ट्रिंग मतलब ए वाली स्ट्रिंग ए, तो ए ए शार्प बी सी, तो अपने को सी यहाँ पे सेकंड फिंगर यहाँ पे रखनी है, सेकंड फिंगर, फिर सी सी डी, फिर ई एफ जी ए बी सी, ओके। अब क्या करना है, सी ये एक ऑक्टेव हो गया, अब क्या करना है मैं आप लोग को एक बार पेपर फिर से दिखा देता हूँ जिससे आप लोग को थोड़ी आइडिया हो जाए। ये है पेपर सी डी, फिर यहाँ पे हमने प्ले किया ई एफ फिर जी फिर ए बी सी, यहाँ तक एक ऑक्टेव हो गया। अब फिर से अपने को प्ले करना है सी डी ई एफ जी ए बी सी, एक बार फिर से प्ले करना है, ओके। अब मैं इसको पेपर को हटा रहा हूँ और इस पे आपको दिखाता हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो अभी हमने क्या प्रैक्टिस कर लिया, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये यहाँ तक हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे थर्ड फिंगर लाइए अपनी, कौन सी फिंगर, थर्ड, फिर सी फिर डी, ओके सी डी, ये यहाँ पे आपको ए, ये तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कैसा करना है। सी डी ई एफ जी ए बी सी, फर्स्ट ऑक्टेव हो गया, अब सेकंड ऑक्टेव ऐसा सी डी, ओके एफ फिर ओके। अब इसको क्या करना है अपने को, बार 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 इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं मेजर स्केल की। अब जैसे हमने शुरू किया सी से, यहाँ से शुरू किए थे, अब देखिए सी के बाद क्या आता है, सी के बाद आता है सी शार्प, तो ये हो गया सी शार्प, फिर क्या आता है डी, डी आता है, तो डी के लिए अब जैसे अगर वही पैटर्न हम लोग इस पे फॉलो करते हैं, डी डी अगर डी पे नहीं करना तो आप फिर से ई पे कर लीजिए, तो डी फिर डी शार्प फिर ई, यहाँ पे देखिए सेम टू सेम वैसे ही है, बस इसकी स्केल चेंज हो गई है। तो अब इसमें जो पहला नोट था वो मैंने क्या बजाया, रूट नोट क्या बजाया, मैंने ई बजाया, तो ये जो स्केल है तो वो हो गई ई, और सिर्फ नेचुरल नोट बजाया इसलिए ई मेजर स्केल, ओके। तो जैसे मेजर आप कहीं भी प्ले कर लीजिए, यहाँ से प्ले करेंगे यहाँ से तो बी मेजर स्केल बनेगा, और इन्हीं स्केल्स की मदद से फिर कुछ जो कॉम्बिनेशंस रहते हैं इनसे कॉर्ड्स बनते हैं, कॉर्ड्स आप हम अगली वीडियो में सीखेंगे। अभी हम क्या सीखेंगे कि इसके साथ साथ अपना हम लोग जो वॉइस है वो भी कैसे ठीक करें, क्योंकि मैं पहले बिल्कुल भी नहीं गा सकता था, तो इसलिए अगर मैं गा सकता हूँ तो कोई भी गा सकता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे प्रैक्टिस की थी। तो जैसे ये है सी, जैसे वो सी डी एफ जी अभी भूल जाइए, अब सारे गामा पे थोड़ी आ जाइए, थोड़ी सी अपन सारे गामा पे आएंगे, तो सारे गामा प्रैक्टिस करना है। जैसे अब हम लोग पतली आवाज़ कैसे निकालते हैं, पतली जैसे सा, अब अभी यही जो सा है इसको पतला करते जाइए सा 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 सा, और जितना पतला हो सकता है आप उतना पतला कर सकते हैं। अब जैसे मोटा करना है तो सा सो सो सो, अब जैसे सी है अपन सी प्ले कर रहे हैं यहाँ पे सी नोट, तो यहाँ पे सी या फिर सा, अब जैसे मैं बहुत पतला अगर करूँगा बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, तो अब पतले से आप मोटे आते जाइए आवाज़ बहुत मोटी आवाज़ हो गई, तो ये अपने को मैच करना है इससे, और जब वो मैच हो जाएगा तो आपको खुद अंदर से फील होगा कि हाँ ये मैच हो गया, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी आपको अब बिल्कुल मैच करने से सा 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 सा। अब
अब जब मैच हो जाएगी तो फिर आप नेक्स्ट में बैठ जाइए सारे गामा पा धानी सा सानी धा पमा गा रे सा। मुझको म्यूज़िक का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना तो है ही कि मैं ठीक ठाक गा लूँ, मीन्स गिटार से आवाज़ मैच हो जाए। इतना सिर्फ सीखने के लिए सिर्फ आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है बस। अभी ये जैसे आपने यहाँ प्रैक्टिस किया, वही नीचे प्रैक्टिस की है, यही प्रैक्टिस ये अपने को कहाँ पे हेल्प करेगी, कॉर्ड्स पे। जब जैसे सी अपन प्ले करेंगे तो जैसे अब मैं बहुत हाई लेता हूँ, मतलब बहुत पतली आवाज़ करता हूँ, अगर मैं आवाज़ मैच नहीं कर रही या फिर बहुत भारी कर रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं कर रही, तो इनके बीच में करना है अपने को बिल्कुल मैच करना है। मैच हो गई तो मैच कैसे करना है अपने को, सांस फिर जहाँ मैच हो जाए वहाँ पे आप हल्की सांस रोक लीजिए। मेहरबानी जात जात मुझ पे कर गया, गुजरता साल एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर स्टार्टिंग फेज में आप बिगिनर्स हैं तो मेजर स्किल के साथ साथ आप अपनी वॉइस भी बिल्कुल प्रैक्टिस करते ही रहिए, क्योंकि नहीं तो अगर आपसे आप कॉर्ड भी सीख जाएंगे, कॉर्ड भी आने लगा आपसे, स्ट्रमिंग आने लगी, हर चीज़ आने लगा, लेकिन आप अगर आवाज़ मैच नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो गिटार बजाने का फिर मतलब ही निकल पाता। क्योंकि अगर फ्रेंड्स के साथ भी अगर आप कहीं घूमने गए हैं या फिर कैंप फायर पर गए कहीं पर भी गए हैं और अगर किसी ने बोल दिया कि गा के सुना दो तो फिर गिटार तो बजाना आता है अपने से, सब चीज़ आता है, लेकिन गाते नहीं आते तो फिर आप सिंगर ढूंढो। तो इससे अच्छा एटलीस्ट अपने से इतना आना चाहिए कि आवाज़ अपनी मैच कर जाए तो थोड़ी बहुत सुनने में तो एटलीस्ट अच्छा ही लगे। तो आज हो गया मेजर स्केल हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम माइनर स्केल सीखेंगे, फिर कॉर्ड्स भी सीखेंगे, ईजी है, बहुत ईजी है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, और डिसलाइक करने के बाद कमेंट पे ज़रूर बताएं कि डिसलाइक क्यों किया, मींस आपको क्या अच्छा नहीं लगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। तो थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।